अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 360 इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कीबोर्ड और माउस वायरलेस लाया हूं, जो कि मिनी साइज में है। लैपटॉप वालों को इसकी सहूलत होगी, जो कि स्टूडेंट होते हैं वो कहीं भी अपने बैग में डाल के इनको लेके जा सकते हैं। मैं आप लोगों को इनकी अनबॉक्सिंग करके भी दिखा देता हूँ, और अगर आपने ये लेने हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको ये मिनी कीबोर्ड दिखा देता हूँ, जो कि हमारे न्यूमेरिक पैड के बगैर है। इसमें न्यूमेरिक पैड नहीं है, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं कि ये किस तरह का है। तो मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये किस किस्म का बना हुआ है और इसके कितने स्मूथ बटन है। आपको टाइपिंग में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, और इतना पतला सा है, मेरी उंगली के जितना देखें बिल्कुल बारीक सा है। और यहाँ पे आप देखें तो इसके सेल लगते हैं, दो सेलों पे ये चलता है। ये इसका ब्लूटूथ रिसीवर है, जिसके ज़रिए इसकी कनेक्टिविटी होती है। और ये इसके अंदर दो सेल आप डालेंगे पेंसिल सेल, तो इससे आपका ये चलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ माउस दिया गया है, और माउस के यहाँ पे सेल लगते हैं, ये देखें तो यहाँ पे भी दो सेल लगते हैं। आप सेल लगाएंगे पेंसिल सेल जो रिमोट वाले होते हैं, वहीं सेल लगेंगे और ये भी आपका चल पड़ेगा। और ये एक ही रिसीवर के ऊपर दोनों कंट्रोल होते हैं। आप एक ही रिसीवर लगाएंगे, जो आपको कीबोर्ड के साथ ये रिसीवर देखने को मिला है यही लगाएंगे, और आपके ये इसी एक ही से दोनों चलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कई लोग कहते हैं, ये देखें ये चीज़ आपने लगानी है। और कई लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे हमें इसके साथ न्यूमेरिक पैड भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अलग से न्यूमेरिक पैड हो, हमें वो भी चाहिए। तो न्यूमेरिक पैड जिन्हें चाहिए तो उनके लिए ये है, ये भी मिनी है और ये भी बैग में आसानी से आ सकता है। तो मैं आपको इसकी भी बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ, ये भी उसी तरह का ही है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है आपको इसमें न्यूमेरिक पैड अलहदा देखने को मिलता है। तो इसमें भी सेम बटन सब कुछ वही है, इसके अंदर भी आपके सेल लगते हैं, और इसके साथ भी आपको माउस वैसा ही देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी सेम वैसे ही सेल लगते हैं। उसके अंदर भी दो सेल लगते थे, इसके अंदर भी दो सेल लगते हैं, ये देखें। तो ये इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने लेने हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको इनकी साइज़ नाप के दिखा देता हूँ आपको, ताकि पता चल सके। ये हमारा स्केल है 1 फुट का, तो ये इसके ऊपर आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, ये इसकी साइज़ है। और वो जो न्यूमेरिक पैड बगैर वाला था वो तकरीबन ये देखें 11 इंच का हो रहा है, वो तकरीबन 11 इंच का, और ये तकरीबन हमारा 12 और 2, तकरीबन 14 साढ़े 14 इंच का ये कीबोर्ड है। तो ये बैग में इजीली आ जाते हैं। और अगर वेट के हवाले से बात की जाए तो इसका वेट भी नहीं है, बिल्कुल वेट लेस हैं दोनों ही, किसी किस्म का इनका वज़न नहीं है। आपके बैग में आपको परेशानी नहीं होगी कि भाई इनका वज़न ज़्यादा है और हमारा बैग वज़नी हो जाता है, ये टेंशन। अगर आपने ये मंगवाने हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में खड़े बेल आइकन को भी दबा लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।